हो। क्या बात है। नमस्कार दियो सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत घर में जिसका नाम है। अरे सर एक मिनट, ये आपका गेम शो नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म शो है। थैंक यू महाशय। ये प्लेटफॉर्म किसी के बाप का नहीं है, समझे? और रही बात मेरी, तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शंशा, समझे? देखिए सर, आप इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रिटी स्टार हैं, अब आपको मैं यहाँ से भगाते हुए अच्छा तो नहीं लगता। आप यहाँ से खुद जाएंगे या मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा? हा, 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 हा। देखो सिक्योरिटी की बात भी कौन कर रहा है, जिसके खुद के चौल की सिक्योरिटी जमा नहीं है, ये हमें सिक्योरिटी समझाएगा? अरे सर आप इतना क्यों गर्म हो रहे हैं, आपके लिए ठंडा ऑर्डर किया है, आप पीजिए, थोड़ा आनंद लीजिए। ठंडा ठंडा कूल कूल, देखिए ठंडे का मैं प्रचार नहीं करता, समझे? अगर मंगाना है तो दो बूंद जल्दी का मंगाइए, देश को पोलियो मुक्त कराइए। दरअसल पोलियो की बूंदों की ऐसी आदत हो गई है कि घर पे भी कोई मेहमान जैसे कि आप आ जाए तो मैं चाय या कॉफी नहीं पूछता है, सीधा दो बूंद जल्दी का पिला देता हूँ। अरे सर सुनिए तो, आज हमारे यहाँ भोजपुरी के सुपरस्टार आए हुए हैं, आइए इनसे कुछ बात कीजिए। देखिए ऐसे इंटरव्यू तो हमने भी बहुत लिया है भैया, लेकिन तुम्हारी तरह ये जो 10-10 मिनट के इंटरव्यू है, ऐसे न जाने कितना हमारे मोबाइल फोन में रख कर डिलीट करते हो, समझे? सर आप वो जो समझ रहे हैं ना, वो इंटरव्यू नहीं, वो कुछ और है, ध्यान से मैं आपके इंटरव्यू के चक्कर में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ रितेश जी से बात करने आया, समझे? रितेश जी कम से कम हाथ तो मिला दीजिए, आए क्या बात है, ओरिजिनल है। आपकी आने वाली फिल्म हाउसफुल हो, सॉरी हाउसफुल 4 हो, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके साथ अक्षय, कृति, बॉबी, जॉनी, यहाँ तक कि चंकी पांडे ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। सर ये देशमुख वाले रितेश नहीं, ये पांडे वाले रितेश है। कैसा रहा मेरा मजाक? आए कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, आए घर छोड़िए, हंसी मजाक तो चलता रहेगा। बस रितेश जी काफी नाम सुना है मैंने आपका, बस ये करते क्या है आप? सर सर आप इन्हें नहीं जानते, ये सिंगर, एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब कुछ मिलाकर भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। बहुत ही उम्दा ख्याल है आपका। आए बस आप चाहते तो सीधे सीधे भी कह सकते थे कि ये अपने आप में ही है, चलते फिरती फैक्ट्री है भोजपुरी फिल्मों के। आए देखिए भुसावल के बच्चन साहब, आप यहाँ करने के आए हैं? भुसावल के बच्चन, देखिए रितेश जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको फिल्म के लिए साइन करना चाहता हूँ। फिल्म? ये 2 टके का होस्ट मुझे बात बात पे टोकता है, अब बोल बहन के पकौड़े। तो रितेश जी हम आपके बहुत बड़े फैन है जी, आप तो जानते हैं कि हम एक अद्भुत प्रचलित कर देने वाला मनोरंजन से भरपूर खेल खिलाते हैं और जीतने वालों को हम अपने औकात के हिसाब से पुरस्कृत करते हैं, समझे? चापर गांधी सर आप कैरेक्टर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए आप बीच बीच में ऐसे ही टोकते रहेंगे तो हम अपने आपे से भी बाहर निकल सकते हैं, समझे? तो और विलम्ब न करते हुए बढ़ते हैं हम अपने खेल की तरफ, जिसका नाम है कौन बनाएगा चार। सर चाय कौन बनाएगा? यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं फूचड़ी के, कौन बनाएगा चाय? कौन बनाएगा चाय? क्योंकि ऐश्वर्या जी गई है कुरला टर्मिनस जय जी को भोपाल पैसेंजर में बिठाने के लिए, तो ऐसे में कौन बनाएगा चाय? कौन बनाएगा चाय? खेल को जीतने वालों को मिलेगा मौका मेरे लिए चाय बनाने का। तो पंचकोटी महामुनि लेट्स गो, KBC यानी कि कौन बनाएगा चाय? लेकिन बच्चन साहब आप हमारे आदरणीय हैं और आप हमसे चाय बनवाएंगे, ठीक है तो आप कॉफी बना लेना, हम अपने खेल का नाम बदल कर कौन बनाएगा कॉफी कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने खेल की तरफ, तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो नहीं है क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो पहला सवाल ये रहा मेरे मुंह में, तो ये रहा आपका पहला सवाल, अगर दही बड़ा है तो छोटा कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए
बड़ा बड़ा नहीं बड़ा छोटा है, ऑप्शन बी जो छोटा है वही बड़ा है, ऑप्शन सी छोटा कोई नहीं सब बड़ा है, ऑप्शन डी जो खड़ा है वही बड़ा है, क्योंकि बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। हेलो सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ओ माफ करिएगा, हाँ तो सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, आपको हमारी तरफ से मिलता है ये ब्लैंक चेक गेरा, ऐसे साइन करके आप मुझे दे दीजिए ताकि भैया हम भी भाड़ा दे के अपने मलाड जा सके। मलाड नहीं, जुहू जाएंगे ना आप? देखिए जुहू तो असली वाले जाते हैं भैया, हम तो बस ट्रेन पकड़ के मलाड जा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और सफर में मिलते हम सफर है, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे भैया आपसे, नमस्कार।